हरे कृष्णा श्रीला प्रभुपाद बात की जय। वेल, कुत्ता पालने का क्या फर्क है? ये टॉपिक है। वो इसलिए है क्योंकि दिल्ली में पता नहीं सबके पास कुत्ते आ गए हैं, सभी कुत्ता लेके घूमते हैं। वो शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि सब वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं। वेस्ट में हर एक के पास डॉग होते हैं। डॉग, आप वेस्ट में किसी को कुत्ता बोल दो कि तुम्हारा कुत्ता कैसा है, सुंदर है, बहुत बुरा मान जाएगा। उसको बोलना पड़ता है हाउ इज योर बेबी, उनको बच्चा मानते हैं। सो ये ज़माना आ गया है कि गॉड की जगह डॉग आ गए हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। सो कुत्ता जो है ये घर में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, क्वेश्चन है। वेल, भारतवर्ष में कुत्ता घर में रखने की प्रथा ज्योतिष लोगों ने शुरू की है कि आप लोग अपने घर में कुत्ता रखिए, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, भविष्य अच्छा हो जाएगा, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वेल, अब ज्योतिष के बारे में तो मुझे ज़्यादा पता नहीं, मगर ये ज़रूर पता है कि धर्म शास्त्रों में क्या दिया है। आजकल के ज्योतिष वाले बोल रहे हैं वो तो ऊटपटांग बोल रहे हैं। वेल, किसी भी ज्योतिष शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि कुत्ता पालने से आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। अगर किसी किताब में लिखा भी है, कोई कह भी इस किताब में लिखा है, तो वो किताब मनोकल्पित ढोंगी गलत किताब है, वो शास्त्र नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में क्लियर इंस्ट्रक्शन है, चाहे धर्मशास्त्र उठाइए, चाहे पुराण उठाइए, चाहे वेद उठाइए, सारे शास्त्रों में ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि घर में कुत्ता अलाउड नहीं है। जो घर में कुत्ता रखता है वो चंडाल होता है। वो घर में कुत्ता रखना ही पाप है, वो चंडाल की योनि में चला जाता है। इसलिए घर में कुत्ता रखना तो बैंड है शास्त्रों के अनुसार, आप नहीं रख सकते। घर के कुत्ता घर के बाहर रहना चाहिए। घर में बिल्ली जरूर रख सकते हैं, बिल्ली अलाउड है, बिल्ली फिर भी अलाउड है, मगर कुत्ता अलाउड नहीं है। सुअर अलाउड है नहीं, मुझे पता नहीं इंडिया में तो कोई सुअर रखता नहीं। कुत्ता रख, मतलब सॉरी, बिल्ली रख सकते हो, गाय रख सकते हो, घोड़ा रख सकते हो, कुत्ता नहीं रख सकते आप। मगर अब प्रथा संसार बिल्कुल उल्टा हो गया है, ना गाय रखते, ना घोड़ा रखते, ना बिल्ली रखते, कुत्ता ही रखेंगे। बिल्ली फिर भी रखते हैं, कुत्ता ही रखते हैं। तोता रख सकते हो, मैना रख सकते हो, रैबिट रख सकते हो, नेवला रख सकते हो, मगर कुत्ता नहीं रख सकते आप। कुत्ता जो है, कुत्ता का नाम ही कुत्ता है क्योंकि वो कुत्ता है, वो बाहर रहता है सड़कों पे, घर में नहीं आता। अगर आप घर में कुत्ता रखोगे तो वो उससे तो उससे एक्चुअली नर्क जाना पड़ेगा, अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप इमिडिएटली चंडाल योनि में आ जाओगे और उसकी गति अधोगति ही मानी जाती है। इसलिए हम कुत्ता ना रखें सब ज्योतिषों के जंजाल में आकर। अगर आपको अपना, अगर आप भविष्य अच्छा ही करना है तो भगवान का नाम लेना। अगर कुत्ता रखने से आपको फायदा हो रहा है तो भगवान का नाम लेने से फायदा नहीं होगा। ये तो बेकार की बात है, इसी को अंधविश्वास कहते हैं। अगर आप अंधविश्वासी हैं, मान लीजिए आपने कहा यार, आप सोचोगे यार कुत्ता 2-3 हज़ार का, तो जो भी 2-3 हज़ार पता नहीं कितने का आता है, एक छोटा कुत्ता 4-5 हज़ार का आता है, पर अगर 5 हज़ार खर्च करके हमारा भविष्य अच्छा हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो खराब ही क्या, रख लेते हैं लोग, ऐसे ही सोचते हैं। तो यार अगर इसमें, मतलब इसमें कोई साइंटिफिक तो कुछ है नहीं, सब अंधविश्वास है। अगर आप ये अंधविश्वास कर सकते हो तो ये अंधविश्वास क्यों नहीं कर सकते कि भगवान की पूजा और नाम लेने से आपको फायदा हो जाएगा? अगर आपको लगता है भगवान की पूजा और नाम अंधविश्वास है तो ये भी तो अंधविश्वास है। अगर इस अंधविश्वास से फायदा हो रहा है, अगर आपको लगता है, तो उस अंधविश्वास से तो और ज़्यादा फायदा हो जाएगा। जब कुत्ता आपका भविष्य सही कर सकता है तो भगवान नहीं कर सकते, भगवान का नाम नहीं कर सकता। कुछ आप थोड़ा दिमाग लगाओ, अपने अपना इच्छाएं पूरी करने के चक्कर में अंधे मत हो जाओ। और अगर अंधे भी हो गए हो तो अंधे अच्छी तरह हो जाओ ना, नाम ही ले लो, पूजा कर लो। सब सारे संत कह के आए हैं कि घर में अगर भगवान का मंदिर हो, भगवान का नाम लिया जाए, तो वो तो वैकुंठ बन जाता है, वहां पे कोई अपशगुन नहीं हो सकता, कोई 9 ग्रह छू नहीं सकते जहां भगवान का नाम ले रहे हो। अभी अपशगुन, अपशगुन 9 ग्रह ही तो प्रोड्यूस करते हैं, राहु केतु शनि हो, कहते हैं राहु की दशा चल रही है, महा 7.5 ही चल रही है। तो यार कुत्ता रखने से सही हो जाएगा तो भगवान का नाम ले लो ना, डॉग क्यों है, गॉड लिया अपने जीवन में। तो ये सारी बेकार की बातें छोड़िए आप, मतलब मेरे को तो बहुत ही अजीब सा लगता है। आई थिंक जो अपने घर में कुत्ता रख रहा है, आई थिंक वो पिछले जन्म में खुद ही कुत्ता होगा, मुझे लगता है। इसलिए कुत्ते कुत्ते की बात उसको समझ आ रही है, हमें तो समझ नहीं आती, हमें तो कोई बोले है, कुत्ता रखेंगे, ये पागल है, तू ही कुत्ता है क्या? सो ये सब कुत्तों की बात सुनना छोड़िए और कुत्ते बनना छोड़िए, और कुछ ढंग से सोचिए आप।
और भगवान का नाम लीजिए, उसी से सारे अपशगुन नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद।